हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आई एस इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के फोर्थ वीक ऑफ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली स्टेट डे सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हर हफ्ते हम ये जो सारी फ्री वीडियोज़ यहाँ पर पोस्ट करते हैं यू आर द फर्स्ट टू बी नोटिफाइड लेटस स्टार्ट हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट्स इट्स गोल्डन जुबली स्टेट हुड डे सो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना पचासवां स्टेट हुड डे मनाया बिकॉज ऑन दिस डेट इन नाइनटीन सेवेंटी वन हिमाचल प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज अ स्टेट तो हम देखेंगे थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देखेंगे ब्रीफली स्टेट हुड की हिस्ट्री नॉट दी एंटायर हिस्ट्री कि स्टेट हुड कैसे मिला उसको ब्रिटिश टाइम्स पर वो कैसा था और उसके बाद कैसे कैसे स्टेट हुड तक वो पहुँचा सो so, uh, ये जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है दे हैव बिन ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन स्टेट लेवल गोल्डन जुबली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया हिस्टोरिक रिज ऑफ शिमला पर यह बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो रिज शिमला पर ऑर्गेनाइज किया गया बिकॉज जो जब ये स्टेट डिक्लेयर की गई थी तब भी वो फंक्शन नहीं हुआ था दिस इज द सेम वेन्यू वेयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एड्रेस द लार्ज गैदरिंग एंड इट वॉज ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी नाइनटीन सेवेंटी वन जब हिमाचल को स्टेटहुड दिया गया था सो एट द सेम प्लेस इस बार भी ये फंक्शन हुआ है तो किस तरह से ये क्रिएट हुआ था सो इट वॉज क्रिएटेड एज द एटींथ स्टेट ऑफ इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के एक एक्ट से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से स्टैचु कोई भी नई स्टेट जब बनती है तो वो एक्ट पास होकर बनती है एंड दिस वॉज ऑल्सो क्रिएटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ये जब बनी थी तो ये भारत की स्टेट थी अठारवा राज्य था भारत का तो इसकी थोड़ी सी ब्रीफ में हिस्ट्री देखते हैं हम कि क्या है सो so, हिमाचल प्रदेश केम एंड टू बींग ऑन एप्रिली एट यानी कि आजादी के जस्ट बाद इसका स्टेटस क्या था वॉज अ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी, जिसको कि हम यूनियन टेरिटरी कह देते हैं आजकल की लैंग्वेज में सो इट वॉज अ सी ए टी और सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी और एक कैसे बनी थी बाय द इंटीग्रेशन ऑफ थर्टी अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स तीस प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो रियासतें थी उनके मिलने से ये बनी थी तो जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था पूरे भारत में तीन ही तरह की प्रोविंस थी एक थी ब्रिटिश जैसे कि पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल मद्रास इस तरह से ग्यारह प्रोविंस थी कुल उसके बाद चार थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस और उसके बाद साढ़े पाँच सौ से भी ज़्यादा रियासतें थी या फिर प्रिंसली स्टेट्स थी तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद हमने सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करने की कोशिश की क्योंकि ब्रिटिश ने उन्हें ऑप्शन दे दिया था कि वो अलग अलग भी रह सकते हैं दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये ज़िम्मेदारी दी गई एंड ही ट्राइड टू इंटीग्रेट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया ताकि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों वाला देश ना बन जाए एक सिंगल नेशन के रूप में वो जन्म ले तो इसी प्रोसेस में जितने भी पहाड़ी राजा थे तीस रियासतें थी तीस प्रिंसली स्टेट्स थी बड़ी बड़ी उन सबको इंटीग्रेट करके एक टेरिटरी बनाई गई सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी बनाई गई जिसका नाम रखा गया हिमाचल इसे कैटेगरी सी स्टेट बनाया गया नाइनटीन में कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कैटेगरी ए बी सी डी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने फर्स्ट शेड्यूल में कैटेगरी ए बी सी डी स्टेट्स बनाई थी तो सी कैटेगरी में वो वाली स्टेट्स आती थी जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके बनाया गया था तो इसे सी कैटेगरी में रखा गया उस वक्त हिमाचल की पॉपुलेशन दस लाख के करीब थी और एरिया जो था वो साढ़े दस हज़ार स्क्वेयर माइल्स के आसपास था मार्च 1952 में डॉक्टर वाई एस परमार जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर थे ये पहले चीफ मिनिस्टर बने थ्री मेंबर कैबिनेट इन्होंने हेड की तो इक, इस टेरिटरी को गवर्न करने के लिए एक अलग से चीफ मिनिस्टर बना दिए गए सो इट वाज जस्ट लाइक पेप्सू इन पंजाब पंजाब में भी ऐसे ही आठ रियासतों को इकट्ठा करके एक पैप्सू बनाया गया था पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन वैसे ही पूरे हिमाचल की तीस रियासतों को इकट्ठा करके एक टेरिटरी बना दी गई और डॉक्टर वाई एस परमार को उसका चीफ मिनिस्टर बनाया गया 1956 में जो स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन थी उसकी रिपोर्ट आई स्टेट्स को रीआर्गनाइज करने के लिए एक कमीशन बिठाई गई थी 1953 में जिसकी रिपोर्ट आई 1956 में और इसकी रिकमेंडेशन थी कि इसे पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर सिर्फ एक मेंबर ने डिसेंट नोट ना दिया होता तो आज हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा होता सो हु वॉज दैट वन मेंबर इट वॉज जस्टिस फजल अली ये इकलौते ऐसे मेंबर थे स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन के जिन्होंने एक डिसेंट नोट लिखा बाकी पूरी कमीशन ने कहा कि हिमाचल की जितने भी रियासतें हैं उन्हें पंजाब के साथ मर्ज कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे और भी पहाड़ी इलाके जो थे उस वक्त वो पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे तो इस कमीशन ने रिकमेंड किया ओवरऑल मतलब मेजॉरिटी ने यह रिकमेंड किया कि हिमाचल की जितनी भी ये रियासतें हैं इन्हें पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए लेकिन जस्टिस फजल अली ने जो कि चेयरपर्सन भी थे उस कमीशन के इन्होंने लिखा कि नहीं ये जो पहाड़ी लैंग्वेज भी अलग है इनका कल्चर भी अलग है तो इसे अलग ही एंटिटी रहने दिया जाए हालांकि अभी से स्टेट नहीं बनाना चाहिए लेकिन इसे एक अलग ही एंटिटी रहने दिया जाए सो बिकॉज ऑफ हिज डिसेंट आज हिमाचल एक स्टेट है तो हिमाचल ने अपनी आइडेंटिटी रिटेन की और इसे यूटी बना दिया गया कि स्टेट हुड के लिए नहीं बट अभी इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए सो इट बिकेम अ यूटी इन नाइनटीन फिफ्टी में इसकी जो असेंबली थी उसे रिवाइव किया गया और डॉक्टर वाई एस परमार दोबारा से इसके चीफ मिनिस्टर बने तो धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हो रही है आफ्टर दैट इन 1966 1966 वो साल था जब पंजाब को तीन हिस्सों में बांटा गया पंजाब हरियाणा और पंजाब के ही कुछ हिस्से हिमाचल में चले गए तो पंजाब हरियाणा हिमाचल ये तीन में पंजाब को बांटा गया तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के जिन्हें हिमाचल में डाला गया कांगड़ा शिमला कुल्लू लाहौल स्पीति नालागढ़ तहसील नालागढ़ तहसील पहले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में आती थी अम्बाला चला गया हरियाणा के पास और इसकी ये जो नालागढ़ तहसील थी ये पार्ट बन गई हिमाचल का उसी तरह ऊना तहसील जो थी ये पहले होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करती थी होशियारपुर अब पंजाब में रह गया और ऊना तहसील जो है वो हिमाचल में चली गई उसी तरह डलहौजी जो थी ये पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करती थी तो यानी कि पंजाब को तीन हिस्सों में बांटा गया एक जो आज का पंजाब है एक जो आज का हरियाणा है और तीसरे ये कुछ हिस्से जैसे कि नालागढ़ ऊना और डलहौजी ये भी पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन इनमें पहाड़ी डायलेक्ट बोला जाता था इनका कल्चर अलग था इनकी जोग्राफी अलग थी तो इन्हें हिमाचल यूटी में मर्ज कर दिया गया तो हिमाचल यूटी थोड़ी सी बड़ी हो गई और फाइनली उसके पाँच साल बाद सरकार को लगा 25 जनवरी उन्नीस को कि अब ये पहले हमने इसको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी बनाया फिर इसमें हमने चीफ मिनिस्टर की प्रोविजन दी फिर हमने इसमें कुछ और एरियाज ऐड कर दिए फिर हमने इसको यूटी बना दिया नाउ इट इज़ द टाइम कि अब इसको स्टेट हुड दे दिया जाए एंड फाइनली स्टेट हुड वॉज गिवन विद फिफ्टी स्क्वायर थाउजेंड किलोमीटर्स ऑफ एरिया तो इस तरह से पच्चीस जनवरी उन्नीस को हर हिमाचल प्रदेश बिकेम अ फुल फ्लैज स्टेट तो कैसे आज़ादी के बाद तीस प्रिंसली स्टेट्स को मिला के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट टेरेट्री बनी देन पार्ट सी कैटेगरी पार्ट सी स्टेट्स में आई है फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग देन इसके चीफ मिनिस्टर बनाए गए वाई एस परमार उसके बाद कैसे धीरे धीरे ये जो था इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी बाई नाइनटीन सिक्सटी सिक्स फिर इसमें कुछ नए एरियाज़ ऐड हुए एंड फाइनली नाइनटीन सेवेंटी वन में ये स्टेट बना सो दिस इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल जो कि इस डेट के साथ इंपॉर्टेंट हो जाती है तो 1971 से 2021 तक फाइनली इट हैज कम्प्लीटेड इट्स इंसेप्शन काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो जाती है पॉलिटी पर्सपेक्टिव से काफी हो जाती है नेक्स्ट टू मंथ लॉन्ग स्नो फेस्टिवल इन लाहौल स्पीति तो हिमाचल के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में दो महीने लंबा एक स्नो फेस्टिवल जो है वो शुरू किया जा रहा है ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है पिछले साल तक ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं हुआ करती थी इस साल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल फाइनली इस स्नो फेस्टिवल में टूरिस्ट जा सकेंगे बिकॉज इट इज़ नाउ ऑल ईयर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द अटल टनल इसी साल अटल टनल खुली है कुछ महीने पहले ही उसकी वजह से ये पहला ऐसा विंटर सीजन है जिसमें छोटी मोटी स्नोफॉल को छोड़कर अदरवाइज ये एरिया जो है ये टोटली totally कनेक्टेड है फॉर 12 मंथ्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड तो ल्लू के साथ ये जो स्पीति और लाहौल वैली है ये अब ट्वेल्व मंथ्स के लिए कनेक्टेड है दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दिस ईयर तो पहले कोरोना uh, पैंडमिक की वजह से और उसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल की वजह से ये एरिया काफ़ी देर तक दुनिया से कटा रहा बट नाउ दे आर ट्राइंग टू रिवाइव क्या करना ये चाह रहे हैं दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड दे आर ट्राइंग टू रिवाइव सम ऑफ द लॉन्ग लॉस्ट ट्रेडिशंस ऑफ लाहौल स्पीति और इस साल काफ़ी कुछ नया देखने में आया है लाहौल स्पीति में जैसे पहले वहाँ से जो लोग थे वो विंटर माइग्रेशन करते थे एक टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए विंटर माइग्रेशन ऑफ लाहौल एंड स्पीति पीपल तो वो लोग जो हैं वो नवंबर के महीने में वहाँ से माइग्रेट करके कुल्लू में आ जाते थे कुल्लू मनाली वाले एरिया में आकर वहाँ पर बस जाते थे तीन या चार महीनों के लिए जितनी देर तक जो लाहौल स्पीति का कॉन्टैक्ट है वो कुल्लू वैली से कट रहता था बट नाओ बिकॉज ऑफ द अटल टनल दैट माइग्रेशन हैज रिड्यूस टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट अब उन लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है इन कुल्लू सो नाउ दे आर देयर इन लाहौल स्पीति तो काफ़ी चेंजेस हैं तो नाउ दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट टूरिस्ट क्योंकि यहाँ पर स्नो फॉल बहुत ही ज्यादा होती है राइट एंड दे आर ट्राइंग टू रिवाइव सम ट्रेडिशंस तो उसके लिए ये स्नो फेस्टिवल जो है ये शुरू किया जा रहा है <coughs> रोतांग टनल की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है रोहतांग टनल और अटल नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी क्यों इनको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है बिकॉज इसका जो प्रोजेक्ट था इट वॉज अप्रूव्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी वेन ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर 1999 से लेकर 2004 तक ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर और 2001 में ही एक्सेप्टेड और ही एक्चुअली यू कैन से सेंक्शन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टनल तो शुरुआत जो थी वो इन्होंने की थी ही हैड द ही सजेस्टेड दिस आइडिया टू हिम कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल स्टेट के डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से भी काफी बड़ी एक प्रोजेक्ट हो सकता है सो ही वॉज द वन हु फॉर्मलाइज दिस आइडिया एंड पुट इट इन टू यू कैन से प्रोसेस तो इसलिए इनके नाम पर नाम रखा गया है

स्की रिजॉर्ट की तरह इसको डेवलप किया जाता है हो जा सकता है टूरिज्म पोटेंशियल यहाँ का बहुत ज़्यादा है एंड इट हैज़ रिमेंड कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर कंट्री फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम नेक्स्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सर्वे एस्टिमेट सेवेंटी थ्री स्नो लेपर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल की वाइल्ड लाइफ और हिमाचल की एकोलॉजी uh, एन्वायरमेंट से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स की पहली बार काउंटिंग की गई है और पूरे इंडिया में पहली बार स्नो लेपर्ड्स की काउंटिंग की गई है बिकॉज दे लिव इन वेरी रिमोट टेरेन्स और काफ़ी ज़्यादा ये कम क्वान्टिटी में है पूरे इंडिया में इस वजह से इसके ये पहली बार ऑर्गेनाइजड वे में एक सेंसस कंडक्ट किया गया है और ये पहली बार हिमाचल में हुआ है ये भी एक बहुत प्राइड की बात है हिमाचल के लिए सो एस्टिमेटली सेवेंटी थ्री स्नो लेपर्ड जो है वो पाए गए हैं पूरे हिमाचल हिमाचल प्रदेश में ये जानकारी दी है फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया ने स्टेट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कभी भी किसी भी स्टेट न्यूज में अगर किसी मिनिस्टर का नाम आता है यू हैव टू स्पेसिफिकली पे अटेंशन टू दैट क्योंकि आपको पूरी स्टेट के सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम पता होने चाहिए एंड ये काफी सारी हिमालयन स्टेट्स में है लेकिन अ साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ देयर पॉपुलेशन हैज नेवर बीन मेड बिफोर ये पहली बार है कि एक साइंटिफिक एस्टिमेट इनका किया जा रहा है सारी स्टेट्स में किया जा रहा है लेकिन हिमाचल ने सबसे पहले कर लिया है वो सो so, किस किस ने ये इनिशिएटिव किसका है स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग नंबर वन इन कोलाबरेशन विद नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन माइसोर इन दोनों ने आपस में कलाबरेट करके ये सेंसिस किया है स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इन माइसौर

और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमें स्नो लेपर्ड्स उत्तराखंड जम्मू कश्मीर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश इन सब जगहों पर भी स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं और सब जगह पर असेसमेंट चल रही है हिमाचल में सबसे पहले हो गई है तो क्या निकल के आया है इस असेसमेंट में लेपर्ड डेंसिटी स्नो लेपर्ड डेंसिटी कितनी है हिमाचल में 0.08 टू 0.37 इंडिविजुअल्स पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर्स ये इसकी डेंसिटी है सबसे ज्यादा ये कहां पर पाए गए स्पीति में पिन वैली में और अपर किन्नौर एरियाज में दीज आर थ्री मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्नो हैज बीन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश राइट right? और इसके जो इंपॉर्टेंट प्रे है वो कौन कौन से हैं आईबेक्स एंड ब्लू शीप उसके बाद स्टडी ने क्या क्या कवर किया टोटल जो पोटेंशियल स्नो लेपर्ड हैबिटेट है पूरे हिमाचल में दैट इज ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेल्व स्क्यर किलोमीटर इतना इसका पोटेंशियल हैबिटेट है पूरी की पूरी हिमाचल में और अभी हमने पिछली न्यूज़ में कवर किया था कि हिमाचल का जो एवरेज एरिया है दैट इज़ अबाउट फिफ्टी फाइव थाउजेंड स्केयर किलोमीटर्स तो मतलब ऑलमोस्ट आधे हिमाचल प्रदेश में इसका पोटेंशियल हैबिटेट है जो कि काफ़ी हाई रीचिज़ में ही पाया जाता है स्पीति पिन वैली अपर के नॉर्थ दैट मीन्स काफ़ी हाई रीचेज में ही स्नो लैपर्ड पाया जाता है और जो टेक्निक फॉलो की गई वो थी कैमरा ट्रैपिंग सर्वे कैमरा ट्रैपिंग सर्वे से दस साइट्स पे इनको प्रॉपरली ट्रैक किया गया तो दस साइट्स पे इनको जहाँ पे ढूंढा गया है ना दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी दस साइट्स हैं जहाँ पर स्नो लेपर्ड साइट किए गए हैं भागा चंद्रा भरमौर कुल्लू मियार पिन बसपा टाबो हांगरंग एंड स्पीति ये दस साइट्स थी और दस की दस साइट्स पर जो आ, स्नो लेपर्ड्स हैं वो साइट किए गए सबसे ज़्यादा इसमें थे पिन वैली स्पीति इन साइट्स पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखे गए हैं राइट सो दिस इज व्हाट यू डीड टू नो अबाउट स्नो लैपर्स इट इज द फर्स्ट साइंटिफिकली फर्स्ट साइंटिफिकली रोबस्ट एस्टिमेट ऑफ स्नो लैपर्स एंड इट्स प्रे फॉर द स्टेट पूरे इंडिया में ही पहली बार और पूरे हिमाचल में भी पहली बार इतना ज़्यादा साइंटिफिकली प्रॉपर तरीके से किया गया ये स्नो लैपर्ड का सेंसस है स्टडी ये भी इंडिकेट करती है दैट अ बल्क ऑफ स्नो लेपर्ड अकरेंसेज आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये हालांकि जो कंजर्वेशनिस्ट्स हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको भी ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर पाए गए हैं न प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क भी नो नेशनल नैशनल पार्कस बायोसफियर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ज़्यादा जो बल्क ऑफ स्नो लेपर्ड्स हैं वो इन प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर पाए गए हैं इट्स अ वेरी अमेजिंग आई वुड से ऑब्जर्वेशन तो इसका मतलब क्या है दैट लोकल कम्युनिटीज आर द स्ट्रोंगेस्ट अलाइज फॉर कंजर्वेशन इन स्नो लेपर्ड लैंडस्केप्स अब अगर वो बाहर पाए गए हैं तो नो डाउट वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती अपर हिमालयाज़ में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती लेकिन जितनी भी होती है दे आर स्टेक होल्डर्स एंड स्ट्रोंगेस्ट अलाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लैपड तो कहीं भी आपको मैन एनिमल कंफ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या कहीं भी आपको जो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं हिमाचल में उनके रोल के ऊपर या हाउ दे कैन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ तो इसमें आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर देनी है दैट इन द रिसेंटली कंडक्टेड स्नो लेपर्ड सर्वे इट हैज़ बिन फाउंड दैट अ बल्क ऑफ स्नो लेपर्ड्स आर आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज और वो पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज़ ना किया जाए और जब तक जो कम्युनिटीज हैं वो उनके एलाइज़ ना हो ऑब्वियसली दे आर दी अलाइज दैट्स वाई देयर काउंट हैज़ बिन फाउंड टू बी फिनल राइट right? तो ये काफी अच्छी एक न्यूज आइटम है आपके लिए विच यू नीड टू डू नेक्स्ट हिमाचल इज द मोस्ट इनोवेटिव हिल स्टेट ऑफ इंडिया हिमाचल इज द मोस्ट इनोवेटिव हिल स्टेट ऑफ इंडिया अभी एक जनरल uh, ऑब्जर्वेशन नहीं है ये एक इंडेक्स का नतीजा है एंड दैट इंडेक्स इज द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ट्वेंटी के अकॉर्डिंग जो कि नीति आयोग इशू करता है इसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी ऑफ स्टेट्स होती हैं एक होती है लार्ज स्टेट्स और एक होती हैं हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो जो लार्ज स्टेट्स हैं उनमें कर्नाटका जो है इट हैज़ टॉप द इंडेक्स लेकिन जो हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें हिमाचल प्रदेश जो है उसने टॉप किया है अमंग द हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में नीति आयोग जो इशू करता है हिमाचल प्रदेश हैज़ टॉप द हिल एंड northeastern states स्टेट्स कैटेगरी <clears throat> तो अब इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई स्टेट इनोवेशन में अच्छी है या नहीं इनोवेशन यानी कि क्रिएटिविटी या फिर आ, आ, जो है आ, किसी भी चीज़ को नए तरीके से करने में अच्छी है या नहीं यानी कि बिजनेसेस डायनामिक है वो या नहीं तो क्या इसका क्राइटेरिया है कंड्यूसिव एन्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग न्यू बिजनेसेस नए बिजनेस सेटअप करने के लिए कि यहां पर अच्छा एक रेगुलेटरी एनवायरमेंट दिया जाता है यहां पर एनवायरमेंट का मतलब वातावरण से नहीं है यहाँ पर का मतलब है रेगुलेटरी रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक इकोसिस्टम आई वुड से कि क्या यहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस है क्या यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जल्दी मिलते हैं क्या यहां पर परमिशन प्रॉपरली अवेलेबल है एंड ऑल दैट तो पहला ये दूसरा अप्लाइंग फॉर पैटेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो कैसा है ह्यूमन कैपिटल कैसी है ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो जाता है एजुकेशन हेल्थ केयर इनकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं यहाँ पर देन कनेक्टिविटी कैसी है देन स्किल लेवल कैसा है लोगों का तो ह्यूमन कैपिटल कैसी है ताकि कोई नया बिज़नेस सेटअप हो तो उसे एम्प्लॉयमेंट uh, के लिए बाहर ना जाना पड़े स्टेट में से ही लोग मिल जाए एंड इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट कितनी होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगी इसका मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी हैं तो इट इज़ लाइक अ समेशन ऑफ़ द इंटायर क्राइटेरिया कि अगर इन्वेस्टमेंट स्टेट में अच्छी हो रही है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी की होंगी तभी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है सो ऑल दीज थिंग्स डिटर्मिन कि उस स्टेट का इनोवेशन इंडेक्स पे कितना रैंक होगा बड़ी स्टेट्स में महाराष्ट्र सेकेंड आई है एंड तमिलनाडु जो है वो थर्ड आई है एंड uh, तेलंगाना फोर्थ नंबर पे और केरला फिफ्थ नंबर पे आई है इम्पोर्टेंट इज़ बिहार इज ऐट द बॉटम बड़ी स्टेट्स में बिहार बॉटम पे आई है खैर अगर हम हिमाचल की बात करें तो so हिमाचल हैज़ टॉप द हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्राइटेरिया और जहाँ पर जितनी ज़्यादा इनोवेशन होगी वहाँ पर पर कैपिटा जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर हिमाचल बट दैट डज नॉट मीन दैट हिमाचल शुड रेस्ट दैट मीन्स हिमाचल स्टिल हैज़ टू इम्प्रूव इट सेल्फ अलॉट ताकि वो अपनी रैंकिंग तो अगर नहीं भी सुधार सकता अपना स्कोर ज़रूर सुधार सकता है सो दिस इज़ जस्ट अ रैंक दैट मीन्स बाकी स्टेट्स के मुकाबले हिमाचल में इनोवेशन अच्छी है बट दैट डजन मीन कि हिमाचल में इनोवेशन ओवरऑल बहुत अच्छी है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और ये जो इंडेक्स है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से इंस्पायर्ड है जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इंस्पायर्ड बाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे रिलीज़ करती है डब्ल्यू आई पी ओ वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च करती है नीति आयोग राइट right? तो बाय प्रोवाइडिंग अ थ्रस्ट टू इनोवेशन इंडिया कैन ऑगमेंट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस अब ये दोनों वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कभी भी आप हिमाचल में कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर न्यूज पढ़ें तो उसमें आपको ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या हिमाचल में क्या क्या हो रहा है आर वी producing something in Himachal that has export competitiveness. Himachal में ऐसा क्या है कि वो export competitiveness. अभी तो Himachal is mostly focusing on tourism like activities. लेकिन क्या Himachal में इस तरह की चीज़ों का potential है कि वो उसे export competitive बना सकें अगर ये चीज़ें ज़्यादा कर सके state, तो वो definitely innovation index पर अपना rank ऊपर लेके जा सकती है Rank तो खैर पहले ही first है मतलब score अपना बढ़ा सकती है and can retain the rank.

क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अगर आप ये पी डी एफ़ डाउनलोड करना चाहते हैं और इससे पहले भी जितनी भी हमने वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं उसके पी डी एफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्टर कीजिए एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल द पी डी एफ्स फॉर योर रिविजन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स